नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरो थेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन, जिसे हम अवसाद के नाम से भी जानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन की समस्या लोगों में बहुत ज्यादा हो रही है। हर पांचवा व्यक्ति आज डिप्रेशन जैसी समस्या से पीड़ित है। जिनको भी डिप्रेशन होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत उदास रहते हैं, उसका बार बार रोने को मन करता है, किसी काम में मन नहीं लगता, बहुत ज्यादा उसको आलस रहता है, बहुत ज्यादा सुस्ती रहती है, बहुत ज्यादा वो वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा वो कमजोरी महसूस करता है। ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, सोने का प्रयास करता है, नींद नहीं आती, करवट ही बदलता रहता है, और अगर नींद आ भी गई तो उसकी नींद बार बार खुलती है, एक दो घंटे सो गया फिर नींद खुलती है, एक दो घंटे फिर सो गया फिर नींद खुलती है, उसको रिलैक्स होकर कभी नींद नहीं आती, नींद उसको टुकड़ों में आती है, जिसके कारण से उसको थकावट, चिड़चिड़ापन, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। जिनको डिप्रेशन हो जाता है, उनका ना खाने का मन करता है, ना किसी काम में मन लगता है, उनकी भूख बहुत कम हो जाती है, और उनकी एकाग्रता, उनका कंसंट्रेशन तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको केवल अकेलापन अच्छा लगता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उसके मन में चल रहे होते हैं, हर बात में वो नेगेटिव हो जाते हैं। अगर वो किसी शादी, किसी फंक्शन में गया तो उसको कोई आनंद नहीं आता, उसका मन तो कहीं और ही चल रहा होता है, उसको कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी काम में कोई रुचि नहीं रहती, जॉब कर रहा होता है जॉब पर नहीं जाता, पढ़ने का मन करता नहीं है, बिल्कुल एकांत में रहता है, बिल्कुल जरा सा किसी ने कोई बात कर ली तो गुस्सा उसको आ जाता है, और जरा सा कोई हमदर्दी दिखाने की कोशिश करे तो जिसको डिप्रेशन होता है, ऐसे व्यक्ति को उससे डर लगता है, उसको लगता है कहीं ये मेरा कोई सामान लेकर ना चला जाए, कहीं मुझे किसी प्रकार का ये नुकसान ना पहुंचे, मेरे साथ कहीं मारपीट ना कर दे, वो ऐसा निरंतर डरता रहता है, ऐसा होता है डिप्रेशन। कई बार देखा जाता है व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश भी कर लेता है, अपने को नुकसान भी व्यक्ति पहुंचा लेता है, और ऐसा व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है, एकांत में रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, जरा सा किसी ने कुछ बात करने की कोशिश की तो चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो ऐसा होता है डिप्रेशन। दोस्तों, अगर आपको डिप्रेशन हो गया तो एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी डिप्रेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। क्योंकि डिप्रेशन जब होता है तो हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल निकल रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण से डिप्रेशन हो जाता है, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन। जब ये केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये केमिकल ठीक प्रकार से अपना वर्क करेंगे और आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम डिप्रेशन का इलाज। आइए, डिप्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, कान के नीचे यहाँ नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है और ऐसा ही दूसरी साइड, उसके बाद हमें अपने अंगूठे से यहाँ रब करना है, घिसना है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड, देखेंगे तरीका बिल्कुल वैसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहले लेफ्ट साइड 12 टाइम करना है, फिर राइट साइड 12 टाइम करना है, फिर देखेंगे दोबारा एक मिनट के गैप के बाद फिर उसी प्रकार से हमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, तरीका देखेंगे बिल्कुल वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहले हमने लेफ्ट साइड किया, फिर राइट साइड किया, फिर 1 मिनट का गैप दिया, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो ब्रेन में पार्ट्स होता है हाइपोथैलेमस, उससे ये ट्रीटमेंट करने से हम हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देते हैं, और उसका एक काम होता है जो डिप्रेशन आ रहा है, जो नेगेटिविटी आ रही है, जिसके कारण से व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, हर 2 घंटे के बाद आप शुरू में करें, अगर आपको खुद को है तो आप खुद भी कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को है तो आप दूसरे व्यक्ति को कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट और डिप्रेशन की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाने वाली। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या होता है डिप्रेशन, क्या डिप्रेशन होने के कारण होते हैं, और अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो कौन से लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से डिप्रेशन
को समझा जाना और डिप्रेशन की बीमारी को हम कैसे ठीक करें एक छोटे से ट्रीटमेंट के माध्यम से आपने वो भी सीखा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें, अगर आपको स्वयं को है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को है तो आप दूसरे व्यक्ति को भी कर सकते हैं। हर 2 घंटे के बाद आप स्टार्टिंग में करें और निश्चित ही आपकी डिप्रेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।